दूध में से मक्खन कैसे निकलता है, समंदर के पानी से नमक कैसे बनाते हैं, ये और ऐसे कई सारे सवाल आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा पढ़ाई का चैनल एनसीईआरटी मैथ साइंस 9th। क्या करते हैं इस चैनल, यहाँ हम 9th-10th की पढ़ाई करते हैं मैथ्स और साइंस की, बुक फॉलो करते हैं एनसीईआरटी। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 2 साइंस का सेकेंड पार्ट। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर जो हमारे चारों तरफ है वो प्योर है या नहीं। पहले पार्ट में हमने समझा था कि मैटर प्योर नहीं है हमारे चारों तरफ, अब हम ये समझने वाले हैं आज के पार्ट में कि मैटर अगर प्योर नहीं है तो उसको कैसे प्योर बनाएं, कैसे हम किसी मिक्सचर में से दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके, आपकी किताब में 8 तरीके लिखे हुए हैं, वो 8 तरीकों के शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो 8 तरीके डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और समझेंगे रोजमर्रा के उदाहरणों से भी। तो कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जो चीज मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, या अगर मैंने रेड बॉक्स में डाल दी है तो वो इम्पोर्टेंट है। काफी सारी डेफिनेशन भी मैं रेड पेन से ही लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला मेथड जो है आपकी बुक में दिया हुआ है वो है एवापोरेशन का मेथड। उन्होंने नाम कुछ दिया है लेकिन तरीका एवापोरेशन का ही है। एग्जाम्पल दिया है बुक में कि अगर आपके पास इंक है, इंक पेन होता है ना, उसकी इंक है तो वो दो चीजों से मिलके बनती है, उसमें एक डाई होता है यानी कि जो कलर होता है, और होता है वाटर या फिर कोई और सॉल्वेंट। डाई एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यूजली लिक्विड होता है और डाई होती है सॉल्वेंट। तो हैडिंग डाली एवापोरेशन, यह है पहला मेथड। सारे 8 के 8 मेथड्स हैं, 8 के 8 मेथड्स डिस्कस करेंगे। कब यूज करते हैं इसको, जब एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, यानी कि सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। कैसे करते हैं, एग्जांपल देकर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास इंक है और आपने वो इंक डाल दी एक ग्लास पानी में, आपने वो इंक डाल दी एक छोटी सी चाइना डिश में और उस चाइना डिश को रखा आपने ग्लास के ऊपर, ग्लास में था पानी और नीचे है बर्नर, ठीक। इस चाइना डिश में पड़ी हुई है इंक, हम इसको इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हीट क्यों कर रहे हैं, ताकि ये स्लोली स्लोली हीट हो और इसमें से जो भी सॉल्वेंट है वो वेपोराइज हो जाए। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो इंक होगी इसमें से सॉल्वेंट वेपोराइज हो जाएगा धीरे 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 धीरे, और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इसमें से सॉल्वेंट वेपोराइज हो गया और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डाई, यानी कि जो इंक का, यानी अगर आपकी ब्लू इंक थी तो जो ब्लू इंक का जो ब्लू कंपोनेंट था जो उसको ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा था वो होता है डाई। तो इसमें से आपको बचेगा क्या, डाई प्लस निकल गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, वेपोराइज हो गया सॉल्वेंट और बच गया आपका डाई। तो ये था पहला तरीका एवेपोरेशन का, काफी पुराना तरीका, इट्स वेरी वेरी ओल्ड मेथड ऑफ रिमूविंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का कंपोनेंट रिमूव करने के बहुत ही पुराना तरीका, वैसे इससे भी काफी कुछ पुराने तरीके हैं, घर में अभी भी यूज होते हैं। जैसे घर में आपने ध्यान दिया होगा चावल या कोई ऐसा दाल होती है तो उसमें कभी कभी कुछ एडल्ट्रेशन कर देते हैं दुकान वाले, उसमें पत्थर मिला देते हैं, दाल होगी तो पीले कलर का पत्थर, चावल होगा तो व्हाइट कलर का पत्थर। तो घर में जो मम्मी होती है वो उनको हाथ से उठा के निकालती है, इसको सीविंग बोलते हैं, यानी कि हाथ से बीनती है।
वो भी एक तरीका होता है मिक्सचर में से दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने का, ठीक है, ये भी एक तरीका है, ठीक है, एवापोरेशन, ठीक। इसमें हम तब ये तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो और दोनों डिसॉल्व हो, ठीक। अच्छा, अब हम अगला तरीका जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हेडिंग डालिए, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बताता हूं, ये डिलीट कर देता हूं, ठीक है। आपने समझ लिया ना क्या क्या समझना था आपको, आपको क्या क्या समझना था, कब यूज होता है, व्हेन, व्हेन देयर आर सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तभी ये कर सकते हैं, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, उस केस में हम सिंपल एवापोरेशन का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगला मेथड की बात करते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि बताते हैं क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले मैंने सवाल पूछा था कि दूध से मक्खन कैसे अलग होता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से ही अलग होता है। आपने घरों में भी देखा होगा कि जब घर में औरतें मक्खन बनाती हैं तो दूध को हैंड हेल्ड मशीन से ऐसे ऐसे करके घुमाती है ताकि उसमें से मक्खन अलग हो सके। क्या करते हैं, बिल्कुल वही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। एक जार में कर्ड लिया और ये शैफ्ट होती है, इसमें कर्ड है या फिर मिल्क भी हो सकता है, और इसको ऐसे ऐसे करके रोटेट करते हैं, फास्ट रोटेशन से क्या होता है जो लिक्विड इसके चारों तरफ होता है वो तेजी से भागता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो, छोड़ दो, चलो ऐसे समझ लो कि लिक्विड जो है ना बहुत तेजी से घूमता है, जब बहुत तेजी से घूमेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स में की वजह से क्या होता है कि लिक्विड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उन पे वो फोर्स ज्यादा लग जाता है तो पार्टिकल्स किनारे की तरफ भाग जाते हैं। ऐसा समझो जैसे कि आपने कभी भी पत्थर में रस्सी बांध के घुमा के देख घुमाया कभी, देखा पत्थर बहुत तेजी से दूर 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 की तरफ भागता है, उसी तरह से लिक्विड में जो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको पत्थर समझ लो, और जब तेजी से घुमा रहे तो वो दूर की तरफ भागेंगे, जब वो दूर की तरफ भागेंगे तो क्या होगा वो मिल्क से अलग हो जाएंगे। यही तरीका इंडस्ट्रियल में भी होता है, वे तो घरों में यूज करते हैं, उसी तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी हम यही तरीका यूज करते हैं दूध से क्रीम अलग करने का। प्रिंसिपल क्या है इसका कि डेंसर जो पार्टिकल होते हैं आर पुश्ड अवे एंड सेटल डाउन, तेजी से घुमाते हैं तो जो टेंसर पार्टिकल्स होते हैं जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो दूर की तरफ भागते हैं और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं मिल्क से तो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक। कहां कहां यूज करते हैं इसका, लेबोरेटरीज में यूज करते हैं जहां पे टेस्टिंग होती है, मिल्क इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और आपकी वॉशिंग मशीन भी यूज करते हैं कपड़े सुखाने के लिए।
ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो इन तीन आइटम तीन जगह पे यूज किया जाता है ये मेथड। बहुत पुराना मेथड है और घरों में लेडीज को पता होता है कि दूध से मक्खन निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आजकल कुछ मशीनें भी आ गई हैं जिसमें हैंड हेल्ड मशीन होती है, उसको बस जार में डालो और बटन दबा दो, वो इलेक्ट्रिसिटी से इस तरह से रोटेट होता है और 5 मिनट 3 मिनट में 4 मिनट में मक्खन अलग कर देता है। अदरवाइज घर में औरतें घंटों कचर 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 करती रहती थी, तब जाकर के मक्खन अलग होता था, बहुत मेहनत लगती थी। अगला तरीका है बच्चों लेयरिंग। आपकी बुक में इसका नाम दिया हुआ है इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन। ये इमिसिबल क्या होता है ये भी बताएंगे और इसको लेयरिंग क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। इमिसिबल का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हुए, यानी दो लिक्विड है, जैसे कि अगर आप तेल में पानी मिला दो या पानी में तेल, तो वो दोनों लिक्विड आपको लगेगा कि वो डिसॉल्व है लेकिन उनके पार्टिकल्स आपको अलग अलग ही दिखेंगे, और थोड़ी देर आप सेटल होने दो तो जो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी जिस लिक्विड की वो नीचे चला जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम इनके सेपरेशन के लिए भी। क्या करते हैं कि एक फ्लास्क ले लिया, कैसा भी फ्लास्क ले सकते हो आप, नॉर्मली फ्लास्क ले लेते हैं और इसमें आउटलेट है, यहां पे रख दिया हमने बीकर, यहां पे लगी हुई हमारी स्टॉप जिसमें हमने दो लिक्विड डाल दिए थे और थोड़ी देर इसको छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम जो लाइटर लिक्विड था और जो हैवियर लिक्विड था वो दोनों सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बीच में बन गई एक लेयर, इसलिए इसको बोलते हैं लेयरिंग। ठीक, स्टॉप क्लॉक को घुमाएंगे और ये हैवियर लिक्विड यहां से निकल के इस बीकर में जमा हो जाएगा, तो दोनों लिक्विड हो गए सेपरेट। कब काम आता है ये, इट वर्क्स व्हेन कब होएगा काम, व्हेन टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब दोनों हैं तो मिक्सचर लेकिन एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये एग्जांपल बताता हूं, मान लो कि मेरे पास मिट्टी का तेल हो और उसमें डीजल मिला दूं तो इस तरीके से नहीं निकलेगा, उसके लिए अलग तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और व्हेन बोथ हैव डिफरेंट डेंसिटी, डेंसिटी अलग होनी चाहिए, ठीक। कहां कहां यूज होता है ये यूसेज, टू सेपरेट वॉटर फ्रॉम ऑयल, बहुत सारी जगह पे जहां पे हम डीप सी ड्रिलिंग करते हैं वहां भी ऑयल मिलता है, ऑयल में वाटर मिल जाता है, या फिर कहीं पर हमारा नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जहां पे ऑयल के टैंकर्स हमारे गिर जाते हैं समंदर में फैल जाता है, वहां पे हम ये तरीका यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। और हम कहां यूज करते हैं, हम मेटलर्जी में यूज करते हैं, टू सेपरेट मोल्टन आयरन फ्रॉम मोल्टन आयरन के सेपरेशन में भी इसका इसी प्रोसेस का यूज होता है। बच्चों काफी थ्योरेटिकल चीजें हैं लेकिन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है चीजें, तो एकदम फोकस रहिए स्क्रीन पे।
अब कोई बोलेगा कि सर जो इजी वाला पार्ट था वो तो आपने कर लिया खुद ही, इमिसिबल लिक्विड है, जब लिक्विड मिलते नहीं आपस में तो आराम से अलग हो जाएंगे फटाफट। आप तो ये तरीका बताओ कि दोनों अगर इमिसिबल नहीं है, मिसिबल लिक्विड है, एकदम मिल गए आपस में तो कैसे अलग करेंगे, वो तरीका भी बताएंगे। ठीक है, आपकी बुक में जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब हम बताते हैं आपका सब्लिमेशन, यानी कि ऐसे दो सॉलिड्स जिसमें से एक सॉलिड जो है वो सीधे वेपर बन जाता है, अगर ऐसा कोई सॉलिड का मिक्सचर है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। सिंपल है यार, अगर एक सॉलिड बिना मेल्ट हुए सीधे वेपर बन जाता है तो उसको हीट कर दो मिक्सचर को, और हीट करने के बाद क्या होगा, जो सॉलिड वेपर बन जाएगा उस वेपर्स को कहीं पे अलग से इकट्ठा कर लो। ये मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। जो दो सॉलिड्स हैं, वन ए, जब दो सॉलिड हैं और उनमें से एक इजिली सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो कर लेता है, उस केस में क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैम्फर, सी ए एम पी एच ओ आर, कैम्फर में मिला हुआ है सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, NaCl, टेबल सॉल्ट मान लेते हैं। दोनों सॉलिड है कपूर और नमक मिला दिया गया, कैसे अलग करेंगे, बहुत ही आसान है। एक डिश में इसको रखिए मिक्सचर को, नीचे से उसको करिए गरम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक फ्लास्क में रख लीजिए इसको, ऊपर से इसमें लगा दिए ढक्कन, तो ये जो मिक्सचर है इसमें से जो जो सब्लिमेशन जो कैम्फर होता है वो इजीली सब्लिमेशन हो जाता है इसका आसानी से, तो कैम्फर तो आपका ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे वेपर्स होंगे कैम्फर के, और नीचे रह जाएगा क्या, सॉल्ट, ठीक। तो ये रह गया आपका टेबल सॉल्ट, और यहां पे जमा हो गया आपका कैम्फर, कैम्फर वेपर्स थे ये, और वेपर के बाद वो कंडेंस हो जाएगा, ये है कैम्फर वेपर्स और ये कंडेंस, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे दो सॉलिड जिसमें से एक सॉलिड इजिली सब्लिमेशन जिसका हो सके तब हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। अगर एक नमक पर चीनी मिला दोगे तो कुछ नहीं होगा, गर्म करते रहो ना तो नमक उड़ेगा ना चीनी उड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें से एक ऐसा सॉलिड होना चाहिए जो इजिली सब्लिमेशन जिसका हो सके। कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सब्लाइम हो सकते हैं, कौन कौन से हैं बताइए। नेप्थालीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, और एंथ्रासीन, ये चार सब्सटेंसेस हैं। अगर ये किसी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो हम ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन। मैंने इसका नाम दिया है सब्लिमेशन, ठीक। अगला प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, क्रोम मीन्स कलर होता है, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन कलर्स वाले प्रोसेस को बोलते हैं। क्या होता है इसमें कि जैसे आपके पास डाई था, एक इंक है आपके पास, एक इंक हैज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट भी मल्टीपल हो सकते हैं, मोर देन
तो जब मोर देन वन सॉल्यूट है तो कैसे सेपरेट करेंगे? तो उसका सिंपल सा तरीका है क्रोमेटोग्राफी का। बहुत ही एंशियंट टेक्निक है, आज की डेट में क्रोमेटोग्राफी के बहुत और सारे तरीके आ चुके हैं जो आपकी बुक में नहीं है। तो आपकी बुक में जो टेक्निक दी हुई है वो ये है कि एक पेपर स्ट्रिप पे आप यहाँ पे एक इंक डाल दीजिए, इंक का एक ड्रॉप, वन ड्रॉप ऑफ इंक, ठीक है, ड्रॉप ऑफ इंक। ठीक है, और आपने क्या किया, इसको एक बीकर में रख दिया, क्लिप कर दिया इसको, ठीक। अरे बीकर में पानी है, क्या है, वाटर। सो व्हाट वुड हैपन इज कि वाटर वुड स्टार्ट राइजिंग ऑन द फिल्टर पेपर। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, आफ्टर सम टाइम आपका जो फिल्टर पेपर है ना वो ऐसा दिखेगा। ये अगर आपका फिल्टर पेपर है और आपकी अगर ड्रॉप यहां पर थी तो इसमें से कुछ कलर्स छूटने लग जाएंगे और देयर विल बी सम कलर्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो अब हुआ क्या, ये जो डाई था उसमें मोर देन वन सॉल्यूट थे, तो जो सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल था वो तो वाटर में डिजोल्व होकर वाटर तक ऊपर आ गया, और जो सॉल्यूट कम डिजोल्वेबल था वो वाटर में कम डिजोल्व हुआ और धीरे धीरे ऊपर आया। तो जो ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया काम करते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ये वाला जो एरिया होगा इसका कलर डिफरेंट होगा। इसका कलर अगर वन है तो ये वाला जो एरिया होगा ना इसका कलर टू होगा, और जो सबसे नीचे वाला एरिया होगा इसका कलर थ्री होगा। तो सब कलर डिफरेंस होंगे सब में, क्यों होगा, क्योंकि मोर देन वन सॉल्यूट था। डाई में भी जो इंक का डाई था, एक तो सॉल्वेंट था वो तो हमने उड़ा दिया था पहले प्रोसेस में एवोपोरेशन से, अब जो डाई बचा उसमें भी एक से ज्यादा सॉल्यूट था, तो जिस सॉल्यूट सबसे कम डिजोल्वेबल था वो सबसे नीचे रह गया, जो ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व हो सकता था वाटर में वो पानी के साथ ऊपर चलते चलते ऊपर चला है। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूट भी सेपरेट कर दिए डाई को, पहले डाई से सॉल्वेंट हटाया, फिर डाई के भी तीन सॉल्यूट या चार सॉल्यूट जितने थे उनको भी सेपरेट कर दिया इस प्रोसेस से, ठीक है। ज्यादा डिटेल में प्रोसेस नहीं दिया हुआ आपकी बुक में, बस इतना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी बहुत जगह यूज होती है, कलर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और कलर से ही हम उनको सेपरेट भी करते हैं। कहां कहां यूसेज होता है इसका, सेपरेशन ऑफ डाइज, सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम बेसिकली लेबोरेटरीज में, जो पैथोलॉजीज होती है उसमें भी टेस्टिंग में काम आता है। बेसिकली ये हर उस जगह पे काम आएगा जहां पे टू सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डिसॉल्वेबिलिटी, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इट वुड बी यूज ए बी यूज इन places where two substances have different solubility, ठीक है, अलग अलग रेट में डिसॉल्व हो रहे हैं अगर दो सब्सटेंसेस, तो उनको इजिली सेपरेट किया जा सकता है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब हम आए हैं अगले प्रोसेस पे जिसका नाम है डिस्टिलेशन, और जो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि लेयरिंग वाले प्रोसेस में हम इमिसिबल लिक्विड्स को ही सेपरेट कर रहे थे, डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस से हम मिसिबल लिक्विड्स को भी सेपरेट कर पाएंगे।
यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं एक दूसरे में, वो भी सेपरेट हो जाएंगे डिस्टिलेशन। कहाँ यूज होता है? मिसेबल, मिसेबल। मिसेबल लिक्विड्स में यूज होता है। मिसेबल लिक्विड्स क्या होता है? जो पूरी तरह से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मिट्टी के तेल में केरोसिन, या फिर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज अ मिसेबल लिक्विड, उसमें बहुत सारे तरह का ऑयल होता है लेकिन वो सब एक दूसरे में मिला हुआ होता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। कहाँ यूज होगा? Where two liquids are completely dissolved but have different boiling points. When two dissolved, two mixed substances. Have different boiling point. उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो क्या करते हैं इसमें? बहुत ही सिंपल सा सेटअप है इसका, कोई मुश्किल सेटअप नहीं है। आपने क्या करना है? आपको एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है और इसमें ये बड़ा सा इसकी नेक होती है, ठीक है। इसमें डाल दिया आपने वो मिक्सचर, ठीक। इसको किया हमने गरम, ठीक है। ये बन रहा होगा वेपर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऊपर से बंद कर दिया इसकी ढक्कन, कॉर्क लगा दिया और एक थर्मोमीटर डाल दिया यहाँ पे। क्या डाल दिया? थर्मोमीटर, ठीक। इसको हमने किसी स्टेप से क्लैंप करके रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इस फ्लास्क से यहाँ पे एक हमने कट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्यूब पड़ा हुआ है और ये ट्यूब है एक दूसरे बीकर में जा रहा है। इस ट्यूब से एक एक करके बूंद बूंद पानी लेकिन टपक रहा है, ठीक है। हो क्या समझो इस बात को, ठीक। और इसमें एक और पेंच है, पेंच है ये, इसमें ग्लास बीड्स पड़ेंगे। और यहां पे लगा हुआ है कंडेंसर, यहां से इन, यहां से आउट। वार्म वाटर आउट, ये है कोल्ड वाटर इन। यहां से ठंडा पानी भेज रहे हैं और इसमें ठंडा पानी है और यहां से गर्म पानी बाहर निकल रहा है। तो क्या एक्चुअली इस पूरे एरिया का टेम्परेचर हमने कम कर दिया, ठीक। अब क्या हो क्या रहा है समझो। ये पढ़िए आइस बीड्स, दीज आर आइस बीड्स, आइस नहीं ग्लास बीड्स, सॉरी, ये है ग्लास बीड्स। ये ग्लास बीड्स है, कांच की छोटे 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 गोल गोल मोती जैसे बीड्स है, ठीक। ये है हमारा मिक्सचर, क्या है ये? मिक्सचर। और मिक्सचर को कर रहे हैं हम हीट, ठीक। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है बच्चे? देखो मिक्सचर हो गया हमने हीट, ये हो गया गर्म। व्हेन टू मिक्स सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अब दोनों सब्सटेंसेस जो है जो इसमें गर्म हो रहे हैं वो गर्म होने के बाद वेपर बन जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट है उनका। लेकिन जैसे दो एक का बॉइलिंग पॉइंट और दोनों का बॉइलिंग, एक का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री, दूसरे का 125 डिग्री, हमने इसको गर्म कर दिया 130 तक, तो 125 वाला भी उड़ गया और 100 वाला भी उड़ गया, दोनों उड़ गए, ठीक। अब होगा क्या? क्योंकि 130 तक गर्म हो रहा है तो 125 वाला जो उड़ रहा है वो यहां पर उसको 125 टेम्परेचर मिल जाएगा इस जगह पे जहां पे ग्लास बीड्स पड़ी हुई है, 125 टेम्परेचर मिलेगा, वो हो जाएगा कंडेंस।
लिख लेते हैं, प्रोसेस समझ लेते हैं, उसको अच्छे से लिखते हैं। पहला में क्या है, बोथ वुड वेपोराइज, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, लिक्विड विथ विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट वुड कंडेंस इन ग्लास बीड्स, ठीक है। ग्लास बीड्स में ही कंडेंस हो जाएगा और वापस इसी फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं, एंड वुड फॉल बैक इन फ्लास्क में आ जाएगा, लेकिन जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो ऊपर तक चला जाएगा निकल के, और वो कहां कंडेंस होगा, सेपरेट फ्लास्क में बीकर, ठीक है। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट वुड कंडेंस इन बीकर, तो दोनों लिक्विड सेपरेट हो गए। इसमें वो लिक्विड रह गया जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट था, और इसमें वो आ गया जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट था। लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला मतलब कि जो 100 डिग्री पे वेपर बनता था वो ऊपर चला गया, यहाँ पे था 125, ऐसा समझो, ठीक है। यहाँ पे था 135, यहाँ पे था 125, और यहाँ पे था 100, तो 100 नहीं मान लेते हैं 110, यहाँ पे होगा 100, मान लेते हैं 100 कहीं भी नहीं मान लेते, ठीक है 110 था। अब यहाँ पे है 100, तो जब हमने इसको हीट किया, इसे तब ऐसा बनाया जाता है कि इतना इस टाइम तो टेम्परेचर हो, तो हमने इसको हीट किया 135 के साथ दोनों बॉइल हो गए, 125 वाला यहीं पे मेल्ट कंडेंस हो गया और नीचे आ गया, 110 यहाँ पे था तो दूसरा वाला यहाँ पे कहीं भी कंडेंस नहीं हुआ, वो धीरे धीरे इधर गया, यहाँ पे मिला उसको ठंडा ठंडा, चलो यही कंडेंस हो गया और यहीं से लिक्विड बन के इसमें आकर के गिर गया, ठीक है। मजा आया इसमें, सेटअप अच्छा लगा, कॉपी पे बना लो फटाफट, और हम अब बढ़ते हैं अगले तरफ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके, और क्रिस्टलाइजेशन। कहाँ इसका यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, जहां भी दो बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है वहां पे इसका यूज कर लेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये छोटा भाई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज तो बहुत जगह होता है, पूरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे चल रही है, जो पूरी रिफाइनरीज होती है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे चलती है। बट इसका बताते हैं क्या होता है, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, वो ये है कि डिफरेंट जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए वो 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, 25 केल्विन और मोर, ठीक है। अगर 10-12-5 केल्विन का है तो ये दिक्कत कर जाएगा, ठीक। तो 125 था, ये 100 था, हाँ ये चलेगा, ठीक है। चलो ये बना लो और ये लिख लो, ठीक है। मैं कर रहा हूं इसको डिलीट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां यूसेज होता है इसका, जो आपकी पूरी की पूरी रिफाइनरीज है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे काम करती हैं। लेकिन इसका एक और यूज होता है, मान लो आपको जो अपने चारों तरफ एयर है इसमें से ऑक्सीजन अलग करनी है, लेट्स से ऑक्सीजन अलग करनी, तो हम फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने अभी यूज किया था, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगा। फिगर आप कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन स्टेप्स क्या होंगे कि अपना जो एयर होती है, एक और सा रेडी डालो, आओ टू सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, करना क्या है, स्टेप वन, एयर को कंप्रेस करेंगे, स्टेप टू कूल,
इतना ठंडा कर दो कि कंडेंस होके लिक्विड हो जाए। कंडेंस होने के बाद कौन सी फॉर्म में आ जाए? लिक्विड। ठीक। अच्छा अब क्या होगा इसमें? एयर में क्या क्या चीजें होती है? मान लेते चार चार गैसेस हैं, ठीक है? कौन कौन से चार गैसेस हैं आपकी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -186 डिग्री। इसका 189 है, इसका -186 डिग्री, इसका इसका -186 डिग्री और इसका, ये तो सॉलिड हो जाती है, मुझे पता नहीं इसका, आई डोंट नो, बट इट वुड बी सॉलिड एट दिस वेरी टेम्प, दिस लो टेम्परेचर। अब करना क्या है? इसका शायद -58 या 50 होता है, -58 डिग्री पे हो जाती है सॉलिड, लिक्विड तो होती ही नहीं है, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो जाती है। ये है आपकी अलग अलग टेम्परेचर। हमको क्या करना है कि जब हमने एयर को कूल कर लिया, तो जैसे हमने एयर को कूल करके लिक्विफाई किया, ये तो हो जाएगी अलग, ठीक है? As soon as air gets compressed and cooled, it liquefies and carbon dioxide is separated. कार्बन डाइऑक्साइड हो गई अलग, अब बची आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। अब आपके पास लिक्विड एयर, ये लिक्विड एयर आ रही थी आपकी, आपने इसको इस कॉलम में फिल किया, ठीक? यहां पे टेम्परेचर दिया, मेंटेन किया आपने -159 का, यहां पे टेम्परेचर मेंटेन किया आपने -156, और फिर यहां पे आपने मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर -185। जैसे ही आप ये लिक्विड एयर आ रही है इसमें से, लिक्विड यानी कि फ्लो करती हुई आएगी पानी की तरह, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 189, यहाँ पे आपने एक आउटलेट दे दिया है, यहां से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? नाइट्रोजन। यहाँ पे आपने नाइट्रोजन कैप्चर कर दी, तो अब ये -189 था, बीच में 187 होगा, 185 188 होगा, 187 होगा, जैसे ही 186 मिला यहाँ पे, यहां से आपने कौन सी गैस बाहर ले ली? आर्गन, ठीक? और 186 को 185 ले मेंटेन किया हुआ है आपने, और यहां से आपने लिक्विड ऑक्सीजन ले ली। इस ब्लॉक में आपकी जमा हो गई क्या? लिक्विड ऑक्सीजन। क्या टेम्परेचर आपने इसमें मेंटेन करके रखा हुआ है? -186। यहां पर भी क्या मेंटेन किया? -186। तो 186 से नीचे तो आप जा ही नहीं रहे। 183 सर, क्या लिख रहे हैं? -183 मेंटेन किया हुआ। तो इस टाइप का कुछ सेटअप होता है, ठीक है? यहां से आपने एयर को पहले कंप्रेस किया, कंप्रेस करके ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसे लिक्विफाई कर दिया, लिक्विफाई करते ही कार्बन डाइऑक्साइड हो गई अलग। अब बचा आपके पास लिक्विड एयर, यानी कि पानी जैसी फ्लो करती हुई है। आपने एक कॉलम बना लिया ऐसा, अब उस कॉलम में आपने अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, यहाँ पे 189 -189 है, जैसे ही -189 है, पानी में से कौन सी चीज बाहर निकल गई? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का वो बॉइलिंग पॉइंट था, उससे टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होगा, नाइट्रोजन वेपर में एयर मतलब गैसेस फॉर्म में आ जाएगी, तो यहां से नाइट्रोजन निकल गई। अब यहां पे क्या मिला आपको? यहां पे आपके पास थी नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, अब यहां पे बची आपकी सिर्फ और सिर्फ आर्गन और ऑक्सीजन, यहां पे बची सिर्फ ऑक्सीजन, यहां पे बची सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक? समझ रहे ना? तो ये सिंपल प्रोसेस, सिंपल सेटअप था। इस सेटअप से आप फ्रैक्शनल विश्लेषण कर सकते हैं। वैसे इसका यूसेज कहां पर होता है? यूसेज इसका वहीं पर होता है आपका, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ये तो है ही है, प्लस सेपरेशन ऑफ वेरियस फ्यूल ऑयल फ्रॉम क्रूड ऑयल, ठीक है? तो दो यूसेज लिख लीजिए आप इसके। पहला है सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर और सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम
प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सेपरेशन में भी इसका यूसेज आता है। अच्छा ठीक, अब हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, मैं डालता हूं हेडलाइन, आप ये नोट कर लीजिए और मैं कर रहा हूं इसको डिलीट। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, वीडियो की स्टार्टिंग में जो सवाल पूछा था कि समंदर के पानी से नमक कैसे अलग होता है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से ही अलग होता है। हम उसका एवोपोरेशन करके भी अलग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस होगा। नमक की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, तो जैसे ही हम उसको खुले एरिया में छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही क्रिस्टलाइज हो जाता है, और जब वो क्रिस्टलाइज हो जाता है तो हमको प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट मिल जाता है। ठीक, कहाँ कहाँ यूसेज होता है इसका, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सेपरेशन के काम आता है, फिटकरी एलम के सेपरेशन में भी काम आता है। एलम को क्या बोलते हैं, फिटकरी, PHITKARI, फिटकरी। बेसिकली ये कहां कहां यूज होता है, ये वहां यूज होता है जहां पे आपका एक जो सॉल्यूट है, यूसेज पे लिख लीजिए, वेयर solute forms crystal structure, यानी कि सब जहां पे सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिले, तभी हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। वहां पे जहां पे सॉल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है, वहां पे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम पानी में इंक को घोल दें या डाई को घोल दें और फिर हम उसको क्रिस्टलाइजेशन का वेट करते रहे तो होगा नहीं, क्योंकि डाई जो होती है वो मोस्टली क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन सॉल्ट जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता है और क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये थे 8 तरीके जिनसे हम वेरियस मिक्सचर्स में से अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला था हमारा एवापोरेशन, क्या होता था उसमें सॉल्यूट जो होता था वो वेपोराइज नहीं होता था, सॉल्वेंट वेपोराइज हो जाता था, तो हम एवापोरेशन का प्रोसेस यूज कर लेते थे। फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस पे आ गए, कहां यूज करते हैं वो प्रोसेस, हम वो प्रोसेस यूज करते हैं दूध से मक्खन को निकालने में। ठीक है, या फिर एक सब्सटेंस अगर डेंस है दूसरे सब्सटेंस से, तो वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा लेयरिंग वाला प्रोसेस, बहुत ही इजी तरीका था। कहां यूज करते हैं, जहां पे दो इमिसिबल लिक्विड्स आपस में घुले मिले हो, इमिसिबल मतलब जो प्रॉपरली एक दूसरे से मिलते नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अपनी सब्लिमेशन की, ये कहां यूज करते हैं, वहां जहां पे दो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स का मिक्सचर हो और उसमें से एक सॉलिड जो वो इजिली सब्लिमेशन होता हो, यानी कि एक सॉलिड इजिली सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता हो, वहीं पे हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी थी, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली डाइज में यूज होती है। एक डाई में अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल की डिजोल्वेबिलिटी अलग होती है। जब डिजोल्वेबिलिटी अलग होगी तो पानी में कोई कम डिजॉल्व होगा, कोई ज्यादा डिजॉल्व होगा, और इसी प्रॉपर्टी के डिफरेंस की वजह से हम ये क्रोमेटोग्राफी यूज करके अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है डिस्टिलेशन की, डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से कंडेंसेशन अलग अलग टेम्परेचर पे होती है अलग अलग लिक्विड्स की, और उसी का फायदा उठा के हम उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। सेटअप मैंने डिटेल में बनाया था आपको, और कई सारे लिक्विड्स हम इससे अलग कर सकते हैं। अपना सारा का सारा जो रिफाइनरीज का काम होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम एयर में से अलग अलग गैसेस को अलग करने के लिए भी यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा जो है वो जब 25 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी काम करेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 5-5, 10-10 डिग्री के केल्विन डिफरेंस पर भी
काम कर जाता है। ये सारी चीजें थी आज के वीडियो में। तो बच्चों आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका? अगर आपको मजा आ रहा है, वैसे सब्जेक्ट बहुत ये चैप्टर एक्चुअली ये वाला टॉपिक बहुत बोरिंग था, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन नए वीडियो ला रहे हैं और पूरी साइंस पूरी मैथ खत्म करनी है हमको दिसंबर 2020 तक। धन्यवाद।